तो फाइनली सैमसंग ने इंडिया में अपने डिवाइसेस के लिए मैसिव अपडेट रोल आउट किया है और इसमें काफ़ी सारे नए फीचर्स और इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं। बेसिकली कैमरा और गैलरी एप्लीकेशन में काफ़ी सारे चेंजेस और फीचर्स ऐड किए गए हैं सैमसंग की तरफ से, जो कि सैमसंग ने अभी सिर्फ S23 सीरीज में एक अपडेट दिया, उसमें यहाँ पर ये सभी फीचर्स ऐड किए गए हैं दोस्तों। तो आज के इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे इन सभी फीचर्स के बारे में, तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। बात करें अपडेट फाइल की तो 2220.67 MB का अपडेट है, जून 2023 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। और इस अपडेट के अंदर बताया गया है कि यहाँ पर जो डिवाइस की स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी है उसको इम्प्रूव किया गया है, डिवाइस के बिहेवियर को इम्प्रूव किया गया है, डिवाइस को लेटेस्ट सिक्योरिटी के साथ प्रोटेक्ट किया गया है, डिवाइस की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया गया है, बग्स को फिक्स किया गया है, कुछ फीचर्स को ऐड किया गया है और डिवाइस की परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव किया गया है। साथ ही सैमसंग के स्टॉक एप्लीकेशंस को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे एप्लीकेशंस को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर दिया गया है। तो ये एक मैसिव अपडेट है, तो इसमें काफ़ी सारे नए फीचर्स ऐड किए गए हैं दोस्तों। 9 नए फीचर्स ऐड किए गए हैं कैमरा और गैलरी ऐप में दोस्तों। तो बात करें सबसे पहले फीचर की, सबसे पहला फीचर है फंक्शन हैज़ बीन एडेड सो डैट मोशन फोटो क्लिप कैन बी डिलीटेड फ्रॉम द गैलरी एट वंस। तो यहाँ पर आपको एक गैलरी में एक नया फंक्शन दे दिया गया है दोस्तों। आपको गैलरी ऐप को ओपन करना है, यहाँ पर मैग्नीफायर का ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको टॉप राइट में, उसको सिलेक्ट करना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा सिलेक्ट मोशन फोटो फ्रॉम फोटो टाइप, उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद फ़ोटो सिलेक्ट करना है, मोर मेन्यू पे क्लिक करना है, डिलीट वीडियो क्लिप, ये नया फीचर ऐड किया गया है। और ये फ्यूचर में और भी फ्लैगशिप डिवाइसेस हैं उन डिवाइसेस में देखने को मिलेगा। सेकंड फीचर है इन फोटो रिमास्टर ए फंक्शन हैज़ बीन एडेड टू करेक्ट द डिस्टॉर्शन ऑफ ए पर्सन एट द एज ऑफ एन इमेज टेकन विथ वाइड लेंस। तो वाइड लेंस से जब आप कोई पिक्चर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इमेज में हमें डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है कभी कभी, तो आप फोटो रिमास्टर की मदद से उसको फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर एक फीचर ऐड कर दिया गया है और ये आने वाले दिनों में और भी डिवाइसेस में ऐड कर दिया जाएगा फ्लैगशिप डिवाइसेस में। इसके बाद है एडेड ए फंक्शन टू करेक्ट द डिस्टॉर्शन ऑफ ए पर्सन एट द एज ऑफ द स्क्रीन व्हेन शूटिंग विथ ए जूम 1x to 1.5x विथ ए वाइड लेंस इन फोटो मोड। तो यहाँ पर जब आप फोटो क्लिक करते हैं जूम लेंस से तो यहाँ पर कई बार डिस्टॉर्शन आ जाता है, तो उसको आप फिक्स कर सकते हैं, एक नया फीचर दे दिया गया है। ये सिर्फ अभी S23 सीरीज के लिए अवेलेबल है, और भी अगर आप अदर डिवाइसेस में यूज करना चाहते हैं तो सैमसंग का ऑफिशियल ऐप है गैलेक्सी इनहेंस एक्स, उसकी मदद से आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और फंक्शन ऐड किया गया S23 सीरीज में, तो यहाँ पर अडेप्टिव पिक्सल का एक फीचर ऐड किया गया है कैमरा में, कैमरा असिस्टेंट में। इसके बाद है द HDR कंपोस्टिंग इरा डेट ऑकर्ड इंटरमीडिएटली वेन शूटिंग इन बैकलाइट कंडीशन आफ्टर सिलेक्टिंग स्पीड प्रायोरिटी इन कैमरा असिस्टेंट हैज़ बिन इम्प्रूवड। तो यहाँ पर HDR कंपोस्टिंग इरर को यहाँ पर फिक्स किया गया है और इम्प्रूव किया गया है कैमरा असिस्टेंट में। इसके अलावा यहाँ पर जो नियर शार्पनेस है जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं 0.6S में सुपर स्टडी मोड में, तो उसको इम्प्रूव किया गया है। इसके बाद है ऑप्टिमाइज द पिक्चर मोड प्रीव्यू टू मूव स्मूथली व्हेन मूविंग द डिवाइस लेफ्ट एंड राइट इन लो लाइट। तो जब आप लो लाइट में डिवाइस को मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पर उसका पिक्चर प्रीव्यू है उसको स्मूथ किया गया है दोस्तों। इसके बाद है इम्प्रूव्ड कलर एंड स्काई एक्सप्रेशन इन हाई पिक्सल शूटिंग इन फोटो मोड। तो यहाँ फोटो मोड में यहाँ पर जो कलर है और स्काई का एक्सप्रेशन है हाई पिक्सल में, उसको इम्प्रूव किया गया है। ऑप्टिमाइज टू मिनिमाइज कलर शिफ्ट व्हेन स्विचिंग लेंस फ्रॉम वाइट टू टेले ऑन सर्टेन सॉलिड कलर बैकग्राउंड। तो जब आप सर्टेन सॉलिड बैकग्राउंड
तो जब आप लेंस शिफ्ट करते हैं यहाँ पर वाइड से टेलीफोटो लेंस में, तो यहाँ पर उसको ऑप्टिमाइज किया गया है दोस्तों। तो ये सभी नए फीचर्स ऐड किए गए हैं, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं। तो ये जो फीचर है वो और भी डिवाइसेस में आने वाला है, फ्लैगशिप डिवाइसेस में दोस्तों। अभी सिर्फ S23 सीरीज के लिए रोल आउट किया गया है, इंडिया में आज ही रोल आउट किया गया है 29 जून को। और भी काफ़ी सारे डिवाइसेस हैं जिन डिवाइसेस में अपडेट आने वाला है, S22 सीरीज, S21 सीरीज, S20 सीरीज, नोट 20 सीरीज, Z फोल्ड 4, Z फोल्ड 3, Z फोल्ड 2, Z फ्लिप 4, Z फ्लिप 3, Z फ्लिप 5, Z फ्लिप, इन सभी डिवाइसेस में अपडेट मिलने वाला है दोस्तों। तो जैसे ही और भी डिवाइसेस में अपडेट आता है आपको मेरे चैनल पे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। और भी कुछ जो ए सीरीज के डिवाइसेस है उन डिवाइसेस में कुछ हमें फीचर्स देखने को मिलेंगे दोस्तों। सभी फीचर्स तो देखने को नहीं मिलेंगे लेकिन कुछ फीचर्स देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, साथ ही चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।